नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ऑरेंज कुल्फ़ी और इसे हम बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। बहुत ही क्रीमी और बढ़िया बनेगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे ऑरेंज ले लिए हैं और इन्हें छील लेते हैं और इन्हें हम बिना सांचे के ही आज बनाएंगे, तो कोई भी सांचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बढ़िया गोल गोल हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले हम ऑरेंज को छील लेते हैं। सारे ऑरेंज हम इस तरह से छील कर रख लेते हैं। अब हमने ऑरेंज को छील लिया है, तो इस तरह से इनके पीस निकाल लेंगे। कली निकालने के बाद हम इसके रेशे हटा देंगे और बीज भी हटा देंगे और पल्प से ही हम कुल्फी बनाएंगे। तो पहले हम इस तरह से बीज हटाकर और रेशे हटाकर पल्प निकाल लेंगे। सारे ऑरेंज हम इस तरह से निकाल कर रख लेंगे। इसी तरह से हमने बाकी के भी ऑरेंज इस तरह से पल्प निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सी जार में इन्हें डाल देंगे, क्योंकि इसे हम बिना गैस जलाए ही बनाएंगे। अब हम इसमें 1/3 कप चीनी डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लेना है। तो इसमें हम ऑरेंज एसेंस डाल रहे हैं, आप इसे बिना ऑरेंज एसेंस के भी बना पाएंगे। अब हम इसे छान लेंगे एक बर्तन में और चम्मच की सहायता से इस तरह से चलाते हुए हम इसे इस तरह से छान लेते हैं और इसके रेशे भी अलग कर देंगे। अच्छे से इसे निकाल कर हम छान लिए हैं और इसका जो गूदा निकला है इसे हम साइड रख देते हैं। अब हमने यहाँ पे ताजी मलाई ली है 3 चम्मच, जिसे अच्छे से हम फेंट देंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से फेंटेंगे और इस तरह से क्रीमी क्रीमी हो जाएगी ये। इस तरह से फेंटने के बाद हम इसमें मिला देंगे ऑरेंज जूस में मलाई को और फिर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी और बढ़िया बनेगी। अब हम इसमें ऑरेंज फ्रूट कलर डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिना ऑरेंज फ्रूट कलर के भी बना पाएंगे, पर फ्रूट कलर डालने से थोड़ी सी कुल्फी में कलर आ जाएगा, बहुत बढ़िया दिखने लगेगी। अच्छे से अब हम इसे मिला लेंगे। अब हमने यहाँ पे एपे मेकर लिया है और कुल्फी को इस तरह से हम फिल कर देंगे। आप चाहें तो इसे छोटी छोटी कटोरियों में भी फिल कर सकते हैं या फिर इस तरह से एप्पे मेकर में भी बना पाएंगे आप। इससे बहुत ही बढ़िया छोटी छोटी गोल गोल बनकर तैयार होगी ये। अब हम इसे कवर कर देंगे एक प्लास्टिक शीट से, ताकि हम फ्रिज में रखें तो ये इसमें पानी या फिर बर्फ़ ना गिरे। तो अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं सेट होने के लिए। जब ये अच्छे से जम जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। और जमने के बाद हमने इसे निकाल ली है और देखिए कितनी बढ़िया ये दिख रही है, अच्छे से ये सेट हो गई है। तो चम्मच की सहायता से अब हम इसे निकालेंगे। बहुत ही आसानी से देखिए निकल रही है और बहुत ही चिकनी और बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम बाकी की भी निकाल लेंगे। आप इन्हें कटे हुए ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं या फिर टूटी फूटी से भी सजा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन्हें थोड़ी सी टूटी फूटी के साथ सजा दूंगी और सारी हम इस तरह से निकाल लेंगे
और अब हम इसे आपको काट के दिखाएंगे कितनी क्रीमी और बढ़िया बनी है। देखिए कितनी क्रीमी क्रीमी दिख रही है, टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ।